गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, मैं केपी सिंह एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं एयरफोर्स के एग्ज़ाम फिनिश हो चुके हैं और जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छी न्यूज़ है बेटा। आप जानेंगे फेज़ वन, फेज़ टू और फेज़ थ्री एयरफोर्स का, ठीक है, और आपका NDA का XY दोनों ग्रुप के बारे में, राइट। और आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जिनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है वो मात खा जाते हैं भाई। ठीक है, उनको पता नहीं होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं आपको वो महत्वपूर्ण जानकारी देना जा रहा हूँ जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज आप जानेंगे कि आफ्टर पासिंग द एग्ज़ाम क्या होता है। तो जैसे ही एडमिट कार्ड आता है आपका, उसके बाद में क्या होता है, ठीक है, क्या करना पड़ता है, और उसके बाद में जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं सेंटर पर, तो उसके बाद में क्या होता है, कैसे मेडिकल होता है, कैसे फिजिकल होता है, कैसे एक GD के लिए तैयार होना होता है, क्या होता है आखिरकार GD में। ठीक है, GD एक कह सकते हैं एक बहुत बड़ा रिजेक्शन का क्राइटेरिया होता है दोस्तों। ठीक है, अगर आपने GD क्रैक कर लिया तो ये समझ लो आप 90% लग गए एयरफोर्स में। ठीक है, तो जानते हैं क्या क्या होता है। जैसा कि आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है तो जो फेज़ टू में जो बातें होती हैं, जो भी क्रियाकलाप होते हैं आपके साथ में, तो मैंने उनको 5 स्टेप में डिवाइड किया है। ठीक है, उन स्टेपों को आप पूरी तरीके से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे। अगर आपने एक भी चीज़ मिस करी तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहुत सारे बच्चों को इसका नुकसान भी हो चुका है, तो आप उसका हिस्सा ना बने, इसीलिए मैंने आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन, प्रैक्टिकल नॉलेज है बेटा। ठीक है, आपको कोई नहीं बताने वाला, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको सारी जानकारी पूरी अच्छी तरीके से सुने, स्टेप बाय स्टेप, 5 स्टेप है ओनली। तो हमारा पहला स्टेप है क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसा कि आप वहां पहुंचोगे, जैसे ही एंट्री होगी ना, तो वहाँ पर आपकी सबसे पहले क्या होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यदि कोई भी मिसमैच पाया जाता है डॉक्यूमेंट में तो आपको वहाँ से रवाना कर दिया जाएगा, आपकी कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी। और जो भी कुछ लिखा होता है वो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होता है कि आपको क्या क्या चीज़ ले जानी है वहाँ पे। और मैं बता देता हूँ क्या क्या ले जाना होता है आपको, 10th की ओरिजिनल, 12th की ओरिजिनल एक फ़ोटो, ठीक है, और आधार कार्ड ले जाना ना भूलें, सबसे मेन चीज़। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, ये सारी चीज़ें जब एकदम करेक्टली मैच हो जाती हैं उसी के बाद आपको उस गेट में एंट्री दी जाती है। समझ में आया पहला स्टेप क्या था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अच्छे तरीके से सारे नोट्सों को पढ़ लें जो उसमें नोट लिखे रहते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। आइए दूसरा स्टेप सीखते हैं। जैसा कि आप पहला स्टेप समझ चुके हैं, तो आइए समझते हैं दूसरा स्टेप क्या होता है। दूसरा स्टेप होता है आपका फिजिकल का। तो फिजिकल में क्या होता है कि जैसे कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद में जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपको लाइन में बिठा लेंगे, उसके बाद में आपको बस में बिठा दिया जाएगा, रवाना कर दिया जाएगा, कहाँ, जहाँ से आपकी रनिंग स्टार्ट होनी है। ठीक है, जैसे ही आप उस लोकेशन पे पहुँचेंगे तो उसके बाद में क्या होगा, एक ऑफिसर आपको प्रॉपर इंडिकेशन देगा, ठीक है, उस रनिंग के बारे में और फिजिकल के बारे में। ठीक, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में जैसे मान लो सपोज दैट तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे वॉमिटिंग आ रही है, ठीक है, या पेट खराब है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहाँ हेजिटेट नहीं हो, ऐसा नहीं कि आपको प्रॉब्लम हो रही है आप भगने के लिए तैयार हो गए, तो वहाँ आपको रिजेक्शन 101% मिल जाएगा। ऐसा नहीं करें, तुरंत ऑफिसर को बोलें, वो आपको वो थोड़ा रेस्ट करने देगा और जो भी मेडिसिन देनी होती है वो देते हैं। ठीक है, तो आपको दौड़ाया जाएगा वहाँ से। तो दौड़ाया कैसे जाता है, एक साथ आर्मी की तरह नहीं दौड़ाया जाता इसमें जैसे मान लो एक मेरा स्टूडेंट है उदयवीर, उसके जो सेंटर पे पहुंचे थे वो 300 लड़के थे, कितने थे, 300 लड़के, 300 लड़कों के 50-50 के 6 ग्रुप बना दिए, ठीक है, रनिंग के लिए। तो सभी को मतलब एक ग्रुप 50 लड़कों का,
मिनिमम मिनिमम उसमें से 300 में से 50 से 60 बच्चे बाहर हो जाते हैं, ठीक है, रनिंग में ही। ठीक, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में आपको 10-20 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं वो लोग, ठीक है, आराम से 15 से 20 मिनट आराम से रेस्ट कर लो। तो उसके बाद में जो होता है वो बड़ा खतरनाक होता है भाई, ठीक है। वो क्या होता है कि जो पुशअप होती हैं वो बड़ी भयंकर होती हैं। 15 से 20 बच्चों के ग्रुप में वो पुशअप कराते हैं, एक ऑफिसर यहाँ खड़ा हुआ है, एक यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, दोनों ही ऑब्जर्व करते हैं। एक बात मेरी ये ध्यान रखना, जो कॉर्नर में लगता है ना, कॉर्नर में सबसे ज़्यादा फोकस उसी पर रहता है, और वो 10 पुशअप तुम्हारी 10 नहीं है, वो 50 के बराबर हैं। तो अभी से पुशअप का इंतजाम शुरू कर दें, मतलब आप डेली पुशअप करा करें, ठीक है। और पुशअप कैसे होती है, बिल्कुल स्ट्रेट कराते हैं, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट लिटा के सीधे, और आपको जैसे कहेंगे ना आप डाउन तो रोक देगा, कम से कम ज़्यादा नहीं एक मिनट भी रोक देते हैं, ऐसे हाथ बढ़ जाएंगे आपके, आपको ये लगेगा कब ये अप करे कब डाउन करे, ऐसा लगता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन आप अगर अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो उसके बाद में जैसे कि आप जानते हैं लंबाई कितनी होती है, 152.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो चेस्ट का फुलाव होता है नॉर्मल होता है 5 सेंटीमीटर, ये तो सबकी बैठ जाती है नॉर्मल, ठीक है, तो समझ में आ रही है ये वाली चीज़। उसके बाद में जब आप पुशअप वगैरह कर लेते हो तो आपको उठक बैठक जो करवाते हैं, ठीक है, वो भी अच्छे तरीके से करनी है, उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। बचपन वाली नहीं है कि वो नीचे लगा रहे हो, नीचे करते करते लड़क गया तो वहाँ भी रिजेक्शन का क्राइटेरिया हो जाता है। मान लो किसी बच्चे को पुशअप नहीं कर पाया तो उस बच्चे को वो ऑफिसर एक बार दोबारा चांस देता है उस पुशअप को करने के लिए, तो वहाँ पर भी आप प्रूव कर सकते हो, लेकिन इतना दम नहीं छोड़ते हैं कि दोबारा आप कंप्लीट कर पाएं, समझ में आ रहा है। अगर इतना थका लेते हैं, इतना थका लेते हैं कि आप ये कहोगे हो गया काम। मेरा एक स्टूडेंट दीपक 3 बार फिजिकल में फेल हुआ है, वो 3 बार, और देखेंगे आप पूरा वो ये फिट है, लेकिन मैं उसे हर बार कहता हूँ कि फिजिकल की प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस कर, लेकिन अब वो 4th बार में एयरफोर्स में लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, तो फिजिकल के लिए प्रॉपर तैयार होकर जाएं, ठीक है, इज दैट क्लियर ना सभी को। तो डेली आप मॉर्निंग में निकल जाएं थोड़ा घूमने के लिए, और पुशअप वगैरह करा करें और रनिंग वगैरह करा करें अभी से, ठीक है। जैसा कि आप सेकंड स्टेप को सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, तो समझते हैं तीसरा स्टेप क्या होता है। भाई साहब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत से विद्यार्थियों को तो ये नहीं पता कि वहाँ पे होना क्या है, वो इस भ्रम में बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो मैं आपको बता दूं, एयरफोर्स ने एक और टेस्ट ऐड कर दिया है भैया स्टेपों में। वो टेस्ट होता है 50 मार्क्स का, जब आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाता है उसके 10 या 5 मिनट बाद आपको रेस्ट करने देते हैं, तो उसके बाद में तुरंत ही आपके हाथ में एक पेपर पकड़ा दिया जाता है, और वो टेस्ट होता है 50 क्वेश्चन का, जिसमें से 20 क्वेश्चंस इंग्लिश ग्रामर से होते हैं और 30 क्वेश्चन जो आपकी सराउंडिंग में जो भी कुछ होता है, ठीक है, वो जितना भी मतलब आप नॉर्मल से क्वेश्चन साइकोलॉजिकल क्वेश्चन कह सकते हैं उनको, ऐसे क्वेश्चन होते कर लेंगे आप, कोई डाउट नहीं उसमें। लेकिन एक चीज़ सुन लो, अगर आपने 50 में से एक भी क्वेश्चन छोड़ा महाराज, तो आपका रिजेक्शन पक्का है। पहली बात सुन लीजिए, आप एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ें, ठीक है, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, ठीक है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, आपको 50 के 50 ही करने हैं, क्लियर हो रहा है ना सभी को। अब यहां पर जो क्राइटेरिया होता है पासिंग का वो क्या है, आप ये सोच रहे होंगे, तो वो क्राइटेरिया है कि 20 क्वेश्चन है जो इंग्लिश के हैं, उसमें से मिनिमम 7 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है भाई साहब, भूलना मत, हल्के में मत लेना। तो इसके बाद जैसे आप पास कर लेंगे तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो गए जाएं, ठीक है, जब ये पास कर लेते हैं उसके बाद में आता है आपका कौन सा स्टेप, 4th स्टेप। जैसा कि आप तीनों स्टेप समझ चुके हैं, तो आप जो 4th स्टेप समझने वाले हो, यहाँ पर होता है महासंग्राम बच्चों के बीच में। सबसे ज़्यादा मैं कह रहा हूँ
रिजेक्शन का क्राइटेरिया यही है, ठीक है। और उसका नाम है, बहुत छोटा नाम है, लेकिन जो वहाँ पहुँच गया और उसने ये क्रैक कर लिया, ये समझो एयरफोर्स में सेलेक्ट हो गया, उसका नाम है GD, ग्रुप डिस्कशन। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो 300 का ग्रुप आया था स्टार्टिंग में, उसमें से फिजिकल में और उस टेस्ट में नॉर्मली, मतलब नॉर्मल टेस्ट में तो 10-20 बच्चे ही बाहर होते हैं, लेकिन अंत तक 200-250 बच्चे बचते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, 15-15, 20-20 बच्चों का एक ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। आपको जैसे अलग अलग रूमों में ले जाया जाता है, ठीक है। तो दो ऑब्जर्व होते हैं, एक भी होता है कभी कभी, ये आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि जो ऑब्जर्वर है वो कैसा है आपके रूम में, ठीक है। तो आपको क्या होता है कि एक सर्कल होता है, सर्कल गोला, ठीक है। उस गोले में आपको बिठा दिया जाता है, ठीक है, जिसमें 15 से 20 स्टूडेंट बैठे होते हैं सर्कल में। तो सर्कल में 20 स्टूडेंट बैठे होते हैं, तो उनको वो ऑफिसर आके पहले समझाता है, इंडिकेट करता है, और उनको जो टॉपिक होता है उसको एक A4 सीट होती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सभी को। जैसे एक मेरा स्टूडेंट बता रहा था, इसको मैंने GD प्रिपेयर कराई थी, तो वो बता रहे थे कि सर हमारे में सोशल मीडिया टॉपिक आया था, वही मैंने तैयार कराया था उनको। तो जैसे टॉपिक दे देगा आपको, 5 मिनट देगा कि पढ़ लो, पढ़ लीजिए आप उसको, ठीक है। पढ़ के उसको ले लेगा, तुरंत उसके 5 मिनट बाद बोलेगा स्टार्ट। अब सारे बच्चे बोलने लगते हैं, GD में सारे बच्चे बोलने लगेंगे। अब जिसमें जितनी पावर होगी वो बोलता रहेगा, ठीक है। और बच्चे चुप होते जाएंगे, रुकते जाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा ना। लेकिन आपको नॉन स्टॉप बोलना है अगर सिलेक्शन चाहिए तो। तो सबसे पहले आपको टॉपिक नहीं बोलना है, सबसे पहले वो पूछेंगे आपसे क्या, इंट्रोडक्शन। क्या पूछेंगे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इतने अच्छे तरीके से तैयार करना कि फर्स्ट इंप्रेशन, सुना होगा आपने, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो इंट्रोडक्शन सबसे बड़ी महिमा होती है, अगर आपने वही अच्छे से दिया है तो प्लस पॉइंट होता है वहाँ पे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छे से डिजाइन करके जाएं, ठीक है, और मैं करवा दूंगा अगर आप मेरे पास आते हैं पढ़ने के लिए, नो डाउट, ठीक है। तो यहाँ पर उसके इंट्रोडक्शन के बाद में जो GD चालू होता है, वो उसमें से केवल 3 या 4 बच्चों को ही लेते हैं, और उन बच्चों को लेते हैं जो कंटिन्यूसली बोलते हैं, और जो मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो रट के आते हैं, वो अलग ही पहचान लेते हैं, बोलते जा रहे हैं, ये पता नहीं है कि टॉपिक क्या है, बोल क्या रहे हैं। सोशल मीडिया टॉपिक है, डोरी सिस्टम घुसा दिया उसमें, है ना, डिमोनेटाइजेशन घुसा दिया उसमें। तो ऐसा नहीं करना है, एकदम कंसर्न बोलना होता है सटीक अच्छे से, ठीक है। तो जैसा कि ग्रुप डिस्कशन ख़त्म होता है, वो आपको ऐसे नहीं बताएंगे कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया कि तुम्हारा नहीं हुआ। तो जो ग्रुप होता है उसको बाहर निकाल लिया जाता है, और जो सेलेक्टेड होते हैं उनको वहीं रोक लेते हैं, और जो सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं उनको तभी वहाँ से निकाल देते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि GD एक रामबाण है, GD के बिना आप एयरफोर्स में सेलेक्ट नहीं हो सकते। आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा अगर आपने GD की तैयारी नहीं करी। तो मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, बहुत पछताते हैं स्टूडेंट बाद में, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। चाहे आप खुद करें प्रिपरेशन, लेकिन अभी से इंग्लिश का बोलना स्टार्ट करें, ताकि आपको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आए। प्रॉपर प्रोसीजर होते हैं GD के सीखने के, वो मैं आपको सिखाऊंगा। जैसा कि आप चौथा स्टेप समझ चुके हैं बच्चों, तो आइए समझते हैं आपका 5वां स्टेप क्या होता है। जैसा कि आप GD से क्वालिफाई हो जाते हैं, तो आपको वापस घर भेज दिया जाता है। उसके करीब 1 महीने बाद आपको वहाँ से कॉल आता है मेडिकल के लिए, ठीक है। तो मेडिकल के लिए कॉल आएगा, उससे पहले आप एक बार अपना मेडिकल करा लें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जाके आप एक बार मेडिकल करा लें, और अच्छे से अपने आप की पूरी बॉडी को चेक करा लें। जो आपका मेडिकल होता है वो सेम एज आर्मी की तरह होता है, ठीक है। आपका एक एक पार्ट चेक होता है,
और कौन कौन से पार्ट आपके चेक होते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। नॉर्मली आप जानते होंगे इसके बारे में तो, लेकिन वो मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ जो आपको पहले से ही चेक करके जानी है, ठीक है। जैसे नौकरी होती है, मिल जाती है ना, मिल जाती है, उनको तुरंत ही निकाल देते हैं, तुरंत पॉइंट दे देंगे, ठीक है। उसके बाद में आपकी ये हैंड बैंड्स नहीं होनी चाहिए, ऐसे करके मिलनी चाहिए, अगर ये मिल गए तो ये समझ लो आपको तुरंत निकाल देंगे। आपके आँख, आपकी नाक, आपके कान, ये अच्छे से, और एक बात और, जाने से पहले अपने कानों को एक बार साफ करा लें, ठीक है। कानों में मैल वगैरह नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो लोग ज़्यादातर दांतों पे फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। जैसा कि मुझे एक स्टूडेंट ने बताया था कि सर वो दांत वगैरह नहीं चेक करते, लेकिन कान वगैरह, नाक वगैरह, आँख वगैरह, जैसे कलर विजन वगैरह चेक करा लें। बहुत से बच्चों की आँखों में कलर विजन होता है, उनको नहीं लेते हैं, और पल्सेस चेक करते हैं। कहीं वहाँ जाके आप घबराने लग जाओ तो नॉर्मली पल्सेस ऑटोमेटिकली हाई होने लगती हैं, तो नॉर्मल रहना, ठीक है। पल्सेस आपकी चेक होंगी, उसके बाद में आपका ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट के बाद में क्या होता है, हेमोग्लोबिन, जो हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन, तो यहाँ पर उसका टेस्ट किया जाता है हेमोग्लोबिन का, ठीक है। तो वो भी मतलब नॉर्मल रहना चाहिए, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपके मेडिकल में चेक होती हैं, तो आपको पहले ही मेडिकल करा लेना है, ठीक है। तो इसके बाद में क्या होता है, जब आपको मेडिकल हो जाता है, फिर उसके 4-5 या 10 दिन बाद में लास्ट एक इनरोलमेंट लिस्ट रख दी है, ठीक है। इनरोलमेंट लिस्ट में जो फिट होते हैं, अनफिट होते हैं, उन दोनों की आती है, ठीक है। और जो जिनको पॉइंट दे दिया होता है उनको दोबारा भी बुलाया जाता है, ठीक है। जैसे फैट, कोई फैटी है, मतलब एक लड़का था स्टूडेंट, तो सुरेंद्र नाम है, आपको मिलाऊंगा उस बच्चे से भी, लाइव मिलाऊंगा किसी दिन, ठीक है। तो वो थोड़ा हैवी था लंबाई के अकॉर्डिंग, तो उसने काफ़ी उसको पॉइंट दे दिया, तो बड़ा घबराया हुआ था, मैंने कोई दिक्कत नहीं, वेट वेट लूज़ करो, हो जाएगा। तो उसने काफ़ी मेहनत की और वेट अपना नॉर्मल कर लिया, और आज वो जॉब कर रहा है, ठीक है। उससे भी मिलाएंगे आपको, ठीक है। काफ़ी सारे लड़के हैं जिनसे मैं आपको मिलाने वाला हूँ लाइव, ठीक है, अगर आप जुड़ेंगे मुझसे। तो यहाँ पर आपको इनरोलमेंट लिस्ट के बाद में एक फाइनल लिस्ट टंगती है, जो बच्चे वास्तव में फिट होते हैं उनको ही फिर जॉइनिंग बुलाया जाता है। कहाँ? बेलगांव, बेंगलोर। बेलगांव बेंगलोर में आपकी ट्रेनिंग होती है। मेरे सारे स्टूडेंट वहीं ट्रेनिंग कर रहे हैं, और मैं आप उन सभी स्टूडेंट्स से आपकी एक बार मुलाकात करा दूंगा, और एक बार लाइव भी आपसे इंटरेक्शन करा दूंगा कि वास्तव में क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है। आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी उससे, ठीक है। तो आप आई थिंक सब कुछ समझ चुके हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बच्चों तक पहुँचाएँ, ताकि उनको भी कोई इन्फॉर्मेशन छूटे नहीं, ठीक है। वो भी पूरी संपूर्ण जानकारी के साथ वहाँ पहुँचें और अपना बेस्ट दें, ठीक, और वो भी लगें एयरफोर्स में। तो इसको शेयर करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो, और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, बने रहिए मेरे साथ।